Welcome dear students, today we are doing exercise 4.3 and question number 1. What is this question? Find the roots of the following quadratic equations if they exist by the method of completing the square. So humne kya karna hai? Completing the square method se questions ko solve karna hai x ki values ke liye. तो ये जो completing the square method है इसमें हमने जो identities use करनी है वो कौन सी है वो बहुत simple identities हैं सबसे पहले identity है a plus b raised to power 2 is equal to a square plus 2ab plus b square then next identity है a minus b raised to power 2 is equal to a square minus 2ab plus b square ये वाली identities यूज करके हमने क्या करना है स्क्वायर कंप्लीट करना है स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद एक्स की वैल्यूज निकालनी है तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट इज दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने के लिए ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए उस कोफिशिएंट को हमने क्या करना है रिमूव करना है जैसे यहाँ पे 2 है तो हमने क्या करना है सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देना अगर यहाँ पे 3 होता तो हमने क्या करना सारी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देना अगर 5 है तो हमने 5 से डिवाइड कर देना तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे 2 है तो हमने सारी इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है उसको हमने 2 से डिवाइड करना है तो डिवाइड द इक्वेशन बाय 2 2x square over 2 minus 7 by 2x plus 3 equal to क्या है 0 3 over 2 लगा लेंगे and 0 by 2 तो 0 by 2 हमारा 0 ही बन जाएगा और ये 2 से 2 हमारा कट हो गया तो हमारे पास x square के साथ अब कोई coefficient नहीं है उसको हम 1 ले सकते हैं तो ये हमारा बन जाएगा x square 1 चाहे आप लिखे चाहे ना लिखे x square minus 7 by 2x plus 3 by 2 equal to 0 तो यहां पे देखिए x स्क्वायर माइनस 7 बाय 2x ये वाली जो है x स्क्वायर माइनस 7 बाय 2 ये जो है ये वाला पोर्शन हमारा ये वाली चीज कंप्लीट कर रही है क्योंकि ये जो x है ना x के साथ हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो 7 बाय 2 है माइनस के साथ है इसका हम माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे बस हमने ये देखना है कि x वाले के साथ हमारा जो कोफिशिएंट है उसके साथ साइन कौन सा है अगर यहां पे माइनस साइन है तो हमने माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करनी है अगर यहां पे प्लस है तो हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है प्लस वाली तो इसमें हमारे पास क्या है माइनस तो हम माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि इतने पोर्शन में हमारी ये वाली चीज जो है वो कंप्लीट हो रही है लेकिन हमें यहां पे एक वैल्यू चाहिए तो 7 b स्क्वायर चाहिए वो हम कैसे कंप्लीट करेंगे ये जो 7 by 2 है ना x के साथ ये plus 3 by 2 को आप पहले ही उधर ले जाएं ये minus 3 by 2 हो जाएगा तो हमारे पास क्या है minus 7 by 2 है हमने क्या करना है ये 7 by 2 का हाफ कर देना है x के साथ जो भी कोई कोफिशिएंट होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने के लिए हमने उसका क्या कर देना है हाफ करना है वो हमारी b की वैल्यू अपने आप आ जाएगी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है आपको जस्ट ये 7 by 4 आ जाएगा तो हमने क्या करना है यहां पे ये जो 7 by 4 आया है हमारा इसी टर्म का हम स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे दोनों तरफ ऐड करना है तो यहां पे हम लगा लेंगे 7 by 4 raised to power 2 एंड उधर वाली साइड पे भी हमने इसको ऐड करना है 7 by 4 raised to power 2 ये दोनों तरफ हमने इसको ऐड कर दिया तो ये जो है हमारे ये आइडेंटिटी अब ये वाली a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इसको हम a माइनस b रेज टू पावर 2 लिखेंगे अभी मैं आपको ये शो भी कर सकती हूं कैसे हुआ क्योंकि अगर हम ये 7 by 4 और 7 by 4 अगर यहां से निकाल भी देते हो तो हमारे पास ये फुल फ्लेज्ड जो इक्वेशन है वो कंप्लीट ही रहेगी लेकिन हमने क्या किया है यहां पे एक स्क्वायर लाने के लिए हमने ये अपनी तरफ से ये जो 7 by 4 है 7 by 4 दोनों तरफ क्या करा है ऐड करा है तो यहां पे हमारे जो ये वाली वैल्यू है x ये हमारा a आ जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा b तो इसको हम लिखेंगे minus 7 by 4 raised to power 2 अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो ये हमारी ये चीज बनेगी
इसका मतलब हमने इसको लिख दिया है a माइनस बी रेज टू पावर 2, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 3/2, इसको हम सॉल्व कर लेंगे 49/16 आ जाएगा, 49/16। तो ये हमारे पास क्या आया, स्क्वायर आया। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारी ये वाली साइड है x माइनस 7/4 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 16 एलसीएम आया, 16 को जब 2 से डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा माइनस 8, 8 थ्री ज़ार 24 प्लस ये बन जाएगा 49। अब x माइनस 7/4 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 25/16। तो एक तरह का हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर तो बन गया। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यूज के लिए इसको सॉल्व करना है। तो अब ये स्क्वायर हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, x माइनस 7/4 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 25/16। इसका हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट हो जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 25/16 है, 25/16 जब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू प्लस माइनस 5 अपॉन 4। इसका मतलब क्या है, अब हमने x की वैल्यूज के लिए एक बार प्लस 5/4 यूज करना है, एक बार क्या यूज करना है, -5/4। तो ये देखिए x इज इक्वल टू +5/4 के लिए लेंगे, अब ये -7/4 है, ये +7/4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 एंड 5 + 7 कितना बन गया, 12/4। तो ये बन गया हमारा 3। x की वैल्यू जो है फर्स्ट वैल्यू है वो क्या आ गई है, 3। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इसको -5/4 के साथ इसको यूज करेंगे, x इज इक्वल टू -5/4 +7/4, नाउ टेक एलसीएम 4 -5 + 7। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/4, दिस इज 1/2, सो x इज इक्वल टू 1/2। तो हमारी ये दो वैल्यूज आ गई हैं x की, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1/2। सो ये हमने क्वेश्चन किया है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। बाय बाय।